छोटा अंबेडकर या छोटा बुद्ध या छोटा कबीर या छोटा ज्योतिबा फुले या छोटा कोई भी संत और महापुरुष जो आपको अच्छा लगता है, आप छोटा अंबेडकर या छोटा बुद्ध या छोटा महापुरुष बन सकते हैं, आपको बनना चाहिए। दरअसल बहुत सारे लोगों का फोन आता है और जब फोन आता है तो मैं उनसे कहता हूँ, वो फोन पे दरअसल मुझसे कहते हैं कि आपका वीडियो बड़ा अच्छा लगा, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आपने ये समझाया, आपने ये पढ़ाया, आपका धन्यवाद है, आप ऐसे ही करते रहें। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप वीडियो बनाना आरंभ कीजिए या आप लिखना आरंभ कीजिए या आप किताब को लिखना आरंभ कीजिए या आप मौखिक रूप से किसी को बताना आरंभ कीजिए या आप छोटी छोटी क्लास ले लीजिए, आप इसको शुरू कीजिए। तो चूंकि अधिकतर लोग जो बात करते हैं तो उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता और वो बदले में कहते हैं नहीं जी हम कहाँ कर पाएंगे, नहीं जी ये तो नहीं, आप ही बहुत बढ़िया करते हैं, नहीं जी हमारे बस की नहीं है। अधिकतर लोगों का एक कॉमन जवाब होता है, वो कहते हैं नहीं अभी तो हमारे मन में है मगर अभी हम इतना जानते नहीं हैं, हम अभी पहले जानकारी ले रहे हैं, जब हम परफेक्ट हो जाएंगे, जानकारी पूरी आ जाएगी तब हम करेंगे, हम करेंगे जरूर। मैं पूछता हूँ कितनी उम्र हुई आपकी, कहते हैं कोई कहता है 52 साल, कोई कहता है 55 साल, कोई कहता है 40 साल, कोई कहता है 30 साल। तो ये वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए, उन सभी पुरुषों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी भिक्कों के लिए, उन सभी के लिए हैं जिन्होंने मुझे 50-100 सैकड़ों फोन किए हैं और मैंने उनसे ये निवेदन किया है, क्योंकि अब मैं एक कॉमन निवेदन करना चाहता हूँ, एक सार्वजनिक निवेदन करना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति दुनिया में परफेक्ट नहीं है, बुद्ध की बात ना करें क्योंकि बुद्ध तो दुनिया के पहले नंबर के व्यक्ति हैं, परफेक्ट व्यक्ति रहे हैं, बाबा साहब भी बहुत हद तक परफेक्ट रहे हैं या जो हमारे महापुरुष हैं वो लगभग परफेक्ट रहे हैं, उनके जीवन में उन्होंने 5 सील का पालन किया है, आचार व्यवहार से वो परफेक्ट रहे हैं, उन्होंने पूरे जीवन भर मेहनत की, ना केवल उन्होंने पर्यत्ति यानी सिद्धांत किया है, पटिपत्ति भी की है, उस सिद्धांत को जीवन में लागू भी किया है और लोगों को घर घर जाके सिखाया भी है, इसलिए वो इतने बड़े महापुरुष हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को शुद्ध रूप से रखा और शुद्ध रूप से सारा काम किया। जैसे बाबा साहब अंबेडकर पूरे 5 सील का पालन करते थे, ना कोई शराब, ना कोई मदिरा, ना कोई झूठ, ना कोई चकारी, कोई काम वैसा नहीं करते थे और जीवन भर पढ़ते थे और पढ़ाते रहते थे और फील्ड में भी पूरा संघर्ष करते थे। भगवान बुद्ध का तो कहना ही क्या, उन्होंने तो 45 साल तक पूरी दुनिया ही बदल दी, पूरी दुनिया उनके नाम को जानती है, सबके गुरु हैं वो तो। मगर आप भी गुरु बन सकते हैं और आपको गुरु बनना चाहिए। दरअसल प्रत्येक बुद्ध जो होते हैं, प्रत्येक बुद्ध को कोई नहीं जानता। प्रत्येक बुद्ध क्या होते हैं, प्रत्येक बुद्ध उनको बोलते हैं जो बुद्ध के बराबर जानकारी हासिल कर लेते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, वही ज्ञान सेम जो सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम ने जो वैशाख पूर्णिमा को रात को लिया था, वही ज्ञान सेम बहुत सारे जो बुद्ध हैं उन्होंने प्राप्त किया, उनको प्रत्येक बुद्ध बोलते हैं। मगर प्रत्येक बुद्ध को कोई नहीं जानता और उन्होंने कोई काम समाज के लिए किया भी नहीं है। प्रत्येक बुद्ध बेसिकली उस ज्ञान को हासिल करने के बाद में अपने को मरने का इंतजार करते हैं और मर जाते हैं, वो दुनिया में ज्ञान को फैलाते नहीं है, साथ लेके चले जाते हैं। तो आप प्रत्येक बुद्ध ना बने, आप ऐसे ज्ञानी ना बने जिसने सारा वॉल्यूम बाबा साहब का पढ़ लिया है और साथ लेके निकल जाएंगे। आपका जो ज्ञान है जब तक वो समाज में नहीं आता वो ज्ञान जीरो है, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा उसका कोई फायदा नहीं है। आप अपने आप को बहुत ऊंचा साबित करने के लिए या अपने सेल्फ, जो आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन है उसके लिए या जो आपका अपना सुख है उसके लिए आप ये कहते रहे अपने आप से कि मैंने तो सारा पढ़ लिया, मैं सारा जानता हूं, मुझे तो ये भी पता है, ये भी पता है, या आप अपने ज्ञान को दिखाने के लिए, बताने के लिए किसी और से बुद्धि ब्लास्ट करें, उससे बहस करें या फेसबुक पे बहस करें, तुम्हारा ज्ञान ऐसा है, मेरा ज्ञान ऐसा है, तुम्हारी ये कमी है, देखो मैंने ये देखा, ये पढ़ा, वहां ये लिखा है, वहां ये लिखा है, उससे कोई रिजल्ट नहीं हासिल होने वाला है सोसाइटी के लिए। आपको भले ही संतुष्टि मिल जाए, आप कोई कमी निकाल सकें, या आपको भले ही ये संतुष्टि मिल जाए कि आज तो मैंने उसको तर्क वितर्क में हरा दिया, मैं ज्यादा जानता हूं, मगर समाज में आपका कोई फायदा नहीं, कोई योगदान नहीं, आप ऐसे ही अपने ज्ञान को लेकर साथ चले जाएंगे, बेकार है वो एनर्जी, बेकार है। बाबा साहब के शब्दों में कहें तो वो बिल्कुल बेकार है, इससे तो अच्छा ना पढ़ते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो आपने छोटा अंबेडकर बनना है, छोटा बुद्ध बनना है, छोटा काशीराम बनना है, छोटा आपने कबीर बनना है, छोटा आपने महापुरुष बनना है, तो कैसे बनना है? आप इस बात का इंतजार ना करें कि आप पहले सारा पढ़ेंगे तब लोगों को पढ़ाएंगे। भाई आपने सारा पढ़ के पीएचडी के स्टूडेंट को नहीं पढ़ाना है, आपने किसी को डॉक्टरेट नहीं करानी है, आपने कहीं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर नहीं देना है। आपने अगर क्लास 5 तक का पढ़ा है तो आप क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों को पढ़ाने के लायक हो गए, तो उनका पढ़ाइए, उन्हें कौन पढ़ाएगा?
आप अगर आपका लेवल अगर 10वीं क्लास तक का हो गया कि आप 10वीं क्लास तक के बच्चे का जानते हैं, तो आप 8वीं क्लास के 9वीं क्लास के बच्चे के लेवल के हिसाब से वीडियो बनाइए, या अपनी पोस्ट लिखिए, या अपनी किताब लिखिए, या अपना अखबार लिखिए, या समाचार पत्र लिखिए, या उनको छोटी छोटी जगह बुला के क्लास लगा के बताइए। आप अगर लगता है कि आपका लेवल बढ़ गया, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, आपको लगता है कि आपका इंटरमीडिएट का लेवल हो गया, 12वीं तक का हो गया, हायर सेकेंडरी का हो गया, तो आप 10वीं क्लास तक के बच्चों के हिसाब से लोगों को पढ़ाइए। उनके पास जानकारी नहीं है, ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको पढ़ाना बाकी है। आपको लगता है कि आप ग्रेजुएट लेवल तक पढ़ गए हैं, जानते हैं, तो ग्रेजुएट लेवल तक अगर जान गए हैं तो आप जो हायर सेकेंडरी लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है, 12वीं तक का लेवल है, उस तक के बच्चों को पढ़ाइए। आपको लगता है कि आपने पीएचडी कर ली है तो आप फिर जो मास्टर्स के बच्चे हैं या ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको पढ़ाइए। तो परफेक्ट तो वो भी नहीं है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं या प्रोफेसर हैं, वो भी लगातार जानकारी हासिल करते रहते हैं, क्योंकि जानकारी का समुद्र है, एक आदमी नहीं पी सकता। एक बार भगवान बुद्ध एक आम के अंब वन में, यानी आम के वन में, आम के पेड़ जहाँ लगे थे वहां भिक्खु संघ के साथ आराम कर रहे थे। उन दिनों पतझड़ का सीजन था, पत्ते नीचे गिर रहे थे, तो आराम करते हुए उन्होंने एक मुट्ठी भर पत्ते उठाए और भिक्खु को संबोधित करते हुए कहा कि भिक्खु, ये जो आप मेरी मुट्ठी में जो देख रहे हो आम के पेड़, दुनिया में जो जानकारी है वो ये जितने यहाँ पत्ते भरे पड़े हैं इससे भी ज्यादा है, यानी कि अपार जानकारी है, मगर मैं आपको सिर्फ उतनी ही जानकारी देता हूँ जितनी मेरे हाथ में है, क्योंकि यही आपके काम की है। मैं इस पूरी जानकारी को नहीं, क्योंकि ये बेकार है, इसकी जानकारी का फायदा नहीं है। कोई आदमी अगर अम्बेडकर को पढ़ना चाहता है और वो अम्बेडकर को पढ़ के और लोगों को पढ़ाना चाहता है, तो जरूरी नहीं है कि पहले वो शरीर विज्ञान के बारे में पढ़ेगा या पहले स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेगा तब बताएगा, वो उसका फील्ड नहीं है। जितना उसने पढ़ लिया उतना वो उसे बताए। अगर आप छोटे अम्बेडकर या छोटे बुद्ध या छोटे कबीर या छोटे ज्योतिबा फुले या छोटे काशीराम नहीं बनेंगे और सही तरीके से नहीं बनेंगे, छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, छोटे बच्चों में पढ़ाने में आपका रुझान नहीं है, तो आपकी शिक्षा और आपका जो मेहनत है वो बेकार जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से या लाइव के माध्यम से या किताब से या टेलीफोन पर या मीटिंग कर कर या छोटे छोटे हैंडबिल बना के या किताब बना के या पोस्टर बना के या क्लास लगा के जिस भी माध्यम से हैं, आप तुरंत पढ़ाना आरंभ कर दीजिए, बिना ये सोचे समझे कि अरे हम कैसे पढ़ाएंगे, हमें तो आता नहीं है। दरअसल हमारे जितने लोग हैं वो ये सोचते हैं कि सामने वाला कोई प्रश्न पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे, हमें पूरा आता नहीं है। भाई सामने वाला क्वेश्चन अगर आपसे कोई ऐसा पूछता है जो छोटे बच्चों के हिसाब से ना हो के बड़े हैं, तो और लोग जानते हैं, आप फोन करके उनको पूछ लें या किताब से पूछ लें और उसको कह दें कि भाई इतना मुझे नहीं आता, मैं तो छोटे बच्चों के हिसाब से पढ़ाता हूँ। सरकार और गवर्नमेंट भी जो टीचर बनाती है वो भी प्राइमरी लेवल का होता है, सेकेंडरी लेवल का होता है, सीनियर सेकेंडरी लेवल का होता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को प्राइमरी स्कूल में जाकर कह देगी वहाँ पढ़ाओ, या किसी प्राइमरी स्कूल के मास्टर को कह देगी कि तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ। जिसका जितना लेवल है उतना ही पढ़ाने के लिए बोलते हैं, उसी हिसाब से उनको मेहनत मिलती है, उसी हिसाब से तनखा। कोई अपना लेवल बढ़ा ले तो वो अच्छी बात है, क्योंकि माँ के पेट से तो यहाँ एक भी पढ़ के नहीं आया, चाहे वो प्राइमरी का मास्टर हो चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, पढ़ते सब यहीं हैं। इसलिए इस मेहनत को, जो आपने मेहनत की है, जो आप सीख रहे हो, जो लगातार आप लगातार सीख रहे हो वीडियो से या पोस्ट से या किताबों से या लेक्चर से या भाषण से या देख रहे हो, उसको अगर आप समाज को नहीं दे पाओगे और उसको आप समाज को वापस नहीं करोगे, पे बैक टू सोसाइटी नहीं करोगे, लोगों को पढ़ाओगे नहीं, तो आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आपको लगता है कि आपके जाने से समाज आगे बढ़ गया, आपके जाने से समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आप जब दूसरे लोगों को शिक्षित करोगे तब समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो। भाई शिक्षित बनो तो ठीक है, आप बन गए, आपके लिए नहीं कहा था, सबके लिए कहा है कि शिक्षित बनो। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, जैसे बाबा साहब ने सबको पढ़ाया, जैसे बुद्ध ने पूरी दुनिया को पढ़ा दिया, उसी जानकारी को लेके आप सबको पढ़ाएं। दो तरह की जानकारी होती है, एक अक्षर ज्ञान होता है, एक व्यवहारिक ज्ञान होता है। आपको जो पसंद है, अक्षर ज्ञान पसंद है तो उनको मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, पाली लैंग्वेज, उर्दू, जो भी लैंग्वेज भाषा है वो उनको पढ़ाइए, ये अक्षर ज्ञान आता है जो उनको रोजी रोटी में काम आएगा। और व्यवहारिक ज्ञान वो होता है जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ और वीडियो बना के व्यवहारिक ज्ञान देता हूँ, इसको व्यवहारिक ज्ञान बोलते हैं। जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, जिस भी लेवल का है, जिस भी तरह से है, आप तुरंत शुरू हो जाइए और अपने जीवन में ये तय कर लीजिए कि आप छोटे अम्बेडकर हैं और छोटे बुद्ध हैं और छोटे कबीर हैं, और उस छोटे कबीर, छोटे अम्बेडकर, छोटे ज्योतिबा फुले, छोटे काशीराम और छोटे बाबा साहब की भूमिका आपने ही फिक्स करनी है और आपने ही आगे करना है, तभी कामयाब हो पाएंगे। अदरवाइज भारत अनपढ़ ही रहेगा। अनपढ़ था अशोक के समय, नहीं था अशोक के समय, सारे पढ़े लिखे थे। भगवान बुद्ध के समय भी नहीं था, भगवान बुद्ध तो घर घर जाके
उनकी तो मोबाइल यूनिवर्सिटी होती थी, घर घर जाके भिक्कू संघ पढ़ाते थे, एक जोड़ी कपड़े और दो रोटी पे, वो भी एक टाइम खाते थे उसी पे पढ़ाते थे। आप भी ऐसी तपस्या कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप चीवर पहन के पढ़ाएंगे, आप जिस भी ड्रेस में हैं, भाषा में, उसी में पढ़ाना शुरू कर दीजिए। एक नियम बना लीजिए कि हफ्ते में 2 घंटे पढ़ाना है या रोज 1 घंटे पढ़ाना है, अपने बच्चों से ही स्टार्ट कर दीजिए। अगर औरों को नहीं पढ़ाना चाहते तो कम से कम हर एक आदमी पढ़ाएगा तो बहुत सारे मास्टरों की कमी दूर हो जाएगी, और पढ़ाने के लिए किसी कोचिंग का, किसी यूनिवर्सिटी का, किसी कॉलेज का या किसी बहुत बड़े हॉल की जरूरत नहीं है। पढ़ाया जा सकता है जंगल में बैठ के भी, पढ़ाया जा सकता है बाबा साहब की तरह, जैसे बाबा साहब लैंप पोस्ट के नीचे रात को बैठ के पढ़ा करते थे, सरकारी दिए में भी पढ़ाया जा सकता है, सुबह भी, शाम भी, सवेरे भी पढ़ाया जा सकता है, फोन पर भी। फोन भी आजकल ऐसे आ गए हैं जिनमें आप वीडियो डाल दें और लोग पढ़ लेंगे और कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। इस काम को जितनी जल्दी आरंभ कर देंगे उतनी जल्दी आपकी जो दरिद्रता है, गरीबी है, भुखमरी है, वो दूर हो जाएगी। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Time.